कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर आम जनता के प्राणों की रक्षा करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स का बैतूल विधायक नीलय डागा एवं उनकी धर्मपत्नी दीपाली डागा ने सम्मान किया। बैतूल शहर के जैन दादावाड़ी में हुए समारोह में डागा फाउंडेशन द्वारा जीवन रक्षक सम्मान समारोह में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टोर संचालक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता के साथ अन्य कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। अपने उद्बोधन में बैतूल विधायक नीलय डागा ने कहा कि हमारे डागा परिवार का मानना है कि हमें जो भी मिला इसी बैतूल जिले की धरती से ही मिला। हम इसका थोड़ा सा कर्ज भी चुका पाए तो हमारे लिए यह काफी बड़ी बात है। विधायक डागा ने कहा कि कोरोना काल में लाशें देखकर मन सिहर जाता था, भगवान ऐसा विकट समय किसी को भी ना दिखाए। डागा ने कहा कि ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन्होंने जो मानव सेवा की उसे भुलाया नहीं जा सकता। डागा ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पास बोलने के लिए काफी कुछ है, परंतु आज जो डॉक्टर इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं उनके पास समय नहीं है, कोई मरीज उनकी राह देख रहा होगा। विधायक नीलय डागा ने कहा कि मैंने अपने ऑफिस में भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी डॉक्टर कोई भी कार्य से ऑफिस आए उनका काम पहले किया जाए, चाहे कितनी भी जरूरी मीटिंग चल रही हो, क्योंकि उनकी कोई मरीज राह भी देख रहा होगा। इस सम्मान समारोह में डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, स्टोर संचालक, सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित आए। मैं आप लोगों का बहुत कीमती समय लिया है हमने, नहीं तो प्रफुल्ल या 45 मिनट बोलते, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, और मैंने उनको रोक दिया क्योंकि आज आपका एक एक मिनट यहाँ पर इसलिए कीमती है कि अस्पताल में शायद किसी पेशेंट को आपकी ज़रूरत है, और मैंने अपने ऑफिस में आज इस मंच के माध्यम से बोल के रखा हुआ है, आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी डॉक्टर, नर्स अगर किसी काम से आए तो अगर मैं भरी मीटिंग में किसी के साथ भी बैठा हूँ तो पहले आप उनको लेकर आए कि शायद उनका काम पहले करने से वो जल्दी वापस हॉस्पिटल पहुँच के शायद किसी की जान बचा ले। इसलिए आप सभी डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आपके लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप कभी भी किसी भी मीटिंग में आएंगे तो आप उस दरवाजे को मेरे यहाँ का क्यों तक के आपको नहीं रोकेगा कि अगर आप बोलेंगे कि डॉक्टर हूँ मैं, और आप ऑफिस में पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल आ सकते हैं और आपका काम प्रायोरिटी पे किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह